ड्रेनेज पानी तो ड्रिंकिंग वाटर में 20 साल से आ रहा पानी है। 20 साल से क्या करते हैं? अरे अम्मा, अरे सबको कैसे आते ढोले के साथ दंडाल वचिंद्रा दंडाल ने अवसर उन्नपुर दंडाल ఓట్ గెలవగానే వెళ్ళిపోతారు, మళ్ళీ మమ్మల్ని ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు। सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। वाइस प्रेसिडेंट जंपना प्रताप साहब के साथ कुछ दिनों पहले एक हादसा पेश आया था जिसमें उन्हें छोटा सा फ्रैक्चर हुआ था। इसी के चलते उनकी सेहत का हाल चाल पूछने के लिए उनके घर मुलाकात के लिए पहुंचे TSMDC चेयरमैन मन्ने कृषांक साहब। इनके साथ अजीत कल्याण, मोनी प्रेम, मुदिराज साखिब साथ मौजूद थे। कंटोनमेंट बोर्ड वार्ड नंबर 1 के चिन्नतोकट्टा संजीविया नगर कॉलोनी के रहने वाले अंजैया, जो अपनी बीमारी के इलाज के चलते परेशान थे, उन्हें आज एक्स वाइस प्रेसिडेंट जकुला महेश्वर रेड्डी साहब ने मिनिस्टर मल्ला रेड्डी साहब की मदद से 1,00,000 रुपए का LOC चेक उनके इलाज नीम्स अस्पताल में करने के लिए दिया। इनके साथ राजू, चंद्रैया, रमेश, सुधाकर साथ मौजूद थे। अप्रैल की 30 तारीख को होने वाले बोर्ड इलेक्शंस को नज़र में रखकर आज एक्स बोर्ड मेंबर नलिनी किरण ने वार्ड नंबर 4 मैसम्मा मंदिर में दर्शन करते हुए आशीर्वाद लिया और अपना इलेक्शन कैंपेन वार्ड नंबर 4 में करते हुए वहां की आवाम से मुलाकात की और उन तमाम को रिक्वेस्ट की कि आने वाले इलेक्शंस में उन्हें वोट करें ताकि वार्ड में डेवलपमेंट वो कर सके। इनके साथ इस कैंपेन में पानसा श्रीकांत, अजीम और BRS पार्टी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद थे। MLC कविता का आज सालगिरह होने के मौके पर बोइनपल्ली एग्रीकल्चर मार्केट के एक्स चेयरमैन TN श्रीनिवास ने केक कट करते हुए इनका जन्मदिन मनाया। इनके साथ इस सेलिब्रेशन में वार्ड नंबर 2 के BRS पार्टी प्रेसिडेंट कुमार मुदिराज, बोइनपल्ली एग्रीकल्चर मार्केट के डायरेक्टर देवलपल्ली श्रीनिवास, नागराज, नरसिम्हा, प्रवीण, कृष्णा, सोमेश मौजूद थे। कंटोनमेंट बोर्ड वार्ड नंबर 7 के इलाके चिन्नम्मा तोटा में कुछ दिनों पहले वहां की बोरवेल खराब होने पर उस बोरवेल को कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्ट्रिकल स्टाफ ने रिपेयर करने के लिए ले गए तो जरूर, लेकिन वापस नहीं लाए। इस लापरवाही के चलते जब ये बात महिला लीडर सरिता को मालूम हुई तो उन्होंने तभी कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के ऑफिसर से बात की और आज उस बोर को फ्लश करवाया, जिसके बाद वहां की आवाम को भरोसा दिलाया गया कि जल्द ही एक नई बोरवेल वहां फिक्स की जाएगी। वहां की आवाम ने सरिता का शुक्रिया अदा किया। इनके साथ वहां की रेसिडेंट्स हनुमान, सुनीता, गायत्री, शांति मौजूद। BRS पार्टी के सीनियर लीडर पेद्दल्ला नरसिम्हा और उनकी पत्नी पेद्दल्ला शारदा ने वार्ड नंबर 5 की कृष्णा नगर कॉलोनी में इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेशन में हिस्सा लिया, जिसके बाद संजीविया नगर वीकर सेक्शन में वहां की आवाम, जो ड्रेनेज का पानी ओवरफ्लो होने की वजह से परेशान थी, उसे सैनिटरी डिपार्टमेंट की गल्फर गाड़ी से क्लीन कराया गया और राधिका कॉलोनी के स्ट्रीट लाइट्स को भी रिपेयर करवाया गया। इनके साथ वहां के मुकामी और कार्यकर्ता तमाम मौजूद थे।
इसी के साथ आज की न्यूज़ बुलेटिन मुकम्मल होती है। ट्विन सिटीज़ की और खबरों और जानकारियों के लिए MR News चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए।